नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सोने चांदी में पिछले हफ्ते में हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी, इसी का रिप्लिका हम एमसीएक्स बुलडेक्स में देख पाएंगे। शुक्रवार के सेशन में भी हमने 5% के करीब की गिरावट एमसीएक्स बुलडेक्स में देखा। प्राइजेस 15,200 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। 15,200 के नीचे प्राइस रहने पे हमें लगता है प्राइजेस में और दबाव बढ़ सकता है, जो 14,800 से 14,900 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं एमसीएक्स सोने चांदी और बुलडेक्स में गिरावट रखेगा। अगर पिछले एक हफ्ते के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो सोने और चांदी में हमने गिरावट भरा वीक देखा, जहां सोने में हमने 4% की गिरावट और चांदी में करीबन 13% की गिरावट आते हुए देखी। वहीं एनर्जी पैक के अंदर क्रूड अभी भी रेंज बाउंड में, जबकि नेचुरल गैस में हमने करीबन 39% की तेजी आते हुए देखी, जिनसे हरिकेन सीजन के चलते हमने देखा एक सप्लाई कंसर्न बना हुआ है जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। वहीं बेस मेटल में भी हमने गिरावट का रुख आते हुए देखा। न्यू स्टिमुलस कुछ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, डिमांड में ड्रॉप है, कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से इकोनॉमी पे फिर से इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसके चलते कॉपर में 3.5% से ज्यादा की गिरावट, जिंक में 5% की गिरावट, निकल में 3% की गिरावट, लेड और एल्यूमिनियम में भी हमने गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट शुक्रवार के सेशन में भी हमने पूरे ही कमोडिटी काउंटर में एक गिरावट आते हुए देखी। आज के सेशन की बात करें तो गोल्ड 50,000 के नीचे होल्ड होने पे करीबन 49,100 का टारगेट देखने मिल सकता है। वहीं चांदी में भी 60,000 के नीचे होल्ड होने पे 56,000 का लेवल तोड़ सकता है। क्रूड ऑयल 2900 से 3000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि नेचुरल गैस में 212 के नीचे काउंटर वीक है, जो करीबन 202 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बेस मेटल मार्केट रेंज बाउंड जरूर है, बट अपसाइड काफी लिमिटेड है। जब तक 520 के ऊपर कॉपर नहीं निकलता, ट्रेंड वीक है, 512 के लिए बेचना चाहिए। जिंक भी 192 के नीचे मंदा है, जो 186 के लिए बेचना चाहिए। निकल में 1070 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, ट्रेंड वीक है, जो 1020 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल पूरी ही बेस मेटल काउंटर में आज बिकवाली करके चलना चाहिए। एलएमई पे भी अगर हम देखें तो निकल एल्यूमिनियम दोनों ही गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट कॉपर जिंक में थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर दिखा है, बट हाई लेवल्स पे बिकवाली करके चलनी चाहिए। इंटरनेशनल में गोल्ड जब तक 1860 का लेवल नहीं तोड़ता, एक रेंज बाउंड है, बट 1860 के नीचे काउंटर काफी वीक है, जो 1820 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें, $23 के नीचे काउंटर वीक है, जो करीबन $22 से लेके 21.5 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। WTI ब्रांड क्रूड दोनों ही साइडवे टू नेगेटिव दिखा रहे हैं, जबकि नेचुरल गैस में दिन के सेशन में तेजी जरूर दिखा रहा है, बट ओवरऑल बिकवाली रह सकती है अगले दो सेशन में। विक्स इंडेक्स में गिरावट है, जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स 9450 के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं मुख्य कारण रहेगा पूरे कमोडिटी पैक पे दबाव लाने में। डेटा पॉइंट की बात करें तो चाइना मार्केट हॉलीडे मोड में है, जिसके चलते कोई बड़ा मोमेंटम बेस मेटल में नहीं रहेगा, जबकि यूरो और यूएसडी से ईसीबी प्रेसिडेंट लैगर की स्पीच और एफओएमसी मेंबर स्पीच रहेगी। टेक्निकली चार्ट पे देखें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में कहीं ना कहीं एक वीकनेस दिखा रहा है, प्राइसेस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो डाउनसाइड में 14,800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं एमसीएक्स का मेटल इंडेक्स जो जल्द लॉन्च होने वाला है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट का रुख ही दिखा रहा है, क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 14,400 तक के लेवल दिखा सकता है। एमसीएक्स कॉपर ने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जरूर ले रखा है, बट ट्रेंड वीक लग रहा है। अगर हम अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 520 के नीचे काउंटर वीक है, जो 512 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।